अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इलाही और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं रियल स्टेट सेक्टर और स्टॉक मार्केट के ऊपर कि दोनों में किस जगह पर ज़्यादा बेहतर सरमायाकारी की जा सकती है। तो दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट का काम किन के लिए ज़्यादा बेहतर है और रियल स्टेट का काम किन के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद है। यकीनी तौर पर दोनों फील्ड में लोग काम कर रहे हैं और दोनों फील्ड में कमा रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट रहना पड़ता है। यहाँ पे मार्केट की सूरत हाल इंतहाई गैर मुतवक्का होती है, जबकि रियल स्टेट में ऐसा नहीं होता। रियल स्टेट में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उस वक्त आपने इंतहाई देखभाल कर अच्छी लोकेशन के ऊपर और डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी हासिल करनी है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, एक अच्छे कंसल्टेंट से आप मदद लें, खुद देखें मार्केट को और एक अच्छी इस तरह की प्रॉपर्टी जो कि डिस्काउंट पर आपको किसी जगह से मिल जाए तो वो लेकर अगर आप रख लेते हैं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा आप उसमें से रिटर्न हासिल करते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट में आपको इंतहाई गहरी नज़र रखना पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सूरत हाल बाज़ दफ़ा इंतहाई गैर मुतवक्का हो जाती है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गैर मुतवक्का होती है कि आपकी नींदें उड़ा देती है और बहुत से लोगों को तो अस्पताल भी पहुंचा देती है। स्टॉक मार्केट में अगर शेयर की बात करें तो जो शेयर है वो ज़ीरो तक आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देखें तो आप देखेंगे कि शेयर जो है वो ज़ीरो तक भी आ सकता है, लेकिन रियल एस्टेट में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो आपने ख़रीदी हो और इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई हो। मैं फाइल की बात नहीं कर रहा, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं जो कि फिजिकल एग्जिस्ट कर रही है, वो कभी भी आज तक जीरो पर नहीं आई। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। हाँ, उसकी वैल्यू मुआशी सूरत हाल ऐसी हो जैसे कि अभी चल रही है या कोई और फैक्टर भी ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उसकी प्राइस गिर सकती है, कम हो सकती है, 50% तक भी कम प्राइस देखी गई है, लेकिन ज़ीरो कभी भी रियल एस्टेट सेक्टर में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होती। अगर किसी वक्त प्राइस कम होती है तो कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होती है, अगर आप होल्ड कर लेंगे उस वक्त घबराए नहीं तो मार्केट जैसे ही उस क्राइसिस उस बहरान से निकलती है तो प्रॉपर्टी की सूरत हाल फिर आपकी बेहतरी की तरफ चल जाती है तो आप लॉस से बच जाते हैं। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट में एक फ़ायदा ये यकीनी तौर पर है, आप जब चाहें शेयर को अपनी रकम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लिक्विडिटी अच्छी है। जब आपका दिल करता है कि आपको रकम चाहिए, आप शेयर को सेल कर दें तो आपके पास कैश आ जाएगा, लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होती है तो आप फौरी तौर पर यहाँ पे इसको कैश में शिफ्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। इसलिए स्टॉक मार्केट के बजाय जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक प्लान करते हैं कि आपको कितनी देर के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है। शॉर्टकट का जो है वो रियल एस्टेट में बहुत से लोग कहते हैं शॉर्टकट लगता है, शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं लगता, ना ही शॉर्टकट के चक्कर में आए। आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना पड़ेगा कि आप एक साल, दो साल, पाँच साल कितनी देर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके मुताबिक फिर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा करके एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदें, ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आपको एक से ज़्यादा फायदे हों। डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी आप खरीदें, ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें जिससे आपको रेंट आ रहा हो, या ऐसी प्रॉपर्टी खरीदें जिससे आपको कुछ रेनोवेशन करके उसकी प्राइस में आप बेहतरी ला सके। तो इस तरह की प्रॉपर्टी आप खरीदें, एक टाइम को टारगेट करें तो इसमें आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। घरों की बहुत कमी है पाकिस्तान में, बहुत से घर अभी भी चाहिए लोगों को और इतनी तेज़ी से घर नहीं बन रहे, लेकिन डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से पाकिस्तान में हमेशा से रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो सरमायाकारों का पसंदीदा सेक्टर रहा है। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें, बहुत सी इंडस्ट्री से लोग जो हैं वो इसमें सरमायाकारी करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आने वाले दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। इस वक्त मुआशी बहरान की वजह से गो के इतनी ज़्यादा इसमें एक्टिविटी नहीं हो रही रियल एस्टेट में, लेकिन ये एक बेस्ट टाइम है। अगर आप इसमें कुछ अच्छी प्लानिंग करके कुछ साल, दो साल, चार साल के लिए कोई इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर इसका आपको फ़ायदा होगा। आप जिस सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं, आप कहते हैं कि मैं मैक्सिमम रिस्क तक जा सकता हूं, तो यकीनी तौर पर आप स्टॉक मार्केट में बहुत कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं पुरस्कूल नींद सोऊँ, मुझे कोई परेशानी ना आए, मैं बिल्कुल रिलैक्स करूँ, तो इसके लिए रियल एस्टेट सेक्टर से बेहतर
कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोनों के रियल स्टेट सेक्टर के और स्टॉक मार्केट के अपने फायदे और नुकसान आते हैं। तो आप दोनों में से जो भी फील्ड सेलेक्ट करते हैं आपने उसको पहले प्लान करना है, अच्छे कंसल्टेंट से रابطہ करना है, मशवरा करना है, ख्वा स्टॉक मार्केट का कर रहे हों, ख्वा रियल स्टेट सेक्टर का कर रहे हों, ये ज़रूरी है। अगर आप अच्छा फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो माहिरीन से मशवरा ज़रूर कीजिए, ख्वा स्टॉक मार्केट का करें या रियल स्टेट का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अब रहिए बाखबर, मज़ीद इन्वेस्टमेंट ऑफर्स और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।